वेलकम फोरम एम के चिल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, जो स्टूडेंट एम्स में नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं 2022 में, तो एकदम आप अलर्ट हो जाइए। जी हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पर नर्सिंग कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं, पैरामेडिकल में ले सकते हैं 2022 में, और इसके लिए आपको एकदम अलर्ट अभी होना पड़ेगा। जो अपडेट अभी आया है हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स काफ़ी सारे कोर्सेज करवाता है, जैसे कि मेडिकल डिपार्टमेंट में MBBS हो गया, डेंटिस्ट हो गया, नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गया, ठीक है, ये सारे कोर्सेज ये करवाता है। तो चलिए अपडेट हम चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पे। सो गाइज, एम्स को लेके आपके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, उसको भी चेकआउट हम कर लेंगे, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे अपडेट, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पर जो 2021 का जो मैटर था वो क्लोज होने में है, और 2022 का जो मैटर है वो ओपन होने में। जैसा कि अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग इनकी कंप्लीट हो चुकी है, और ये जो सेकंड राउंड है ना, उनकी खाली सीटों की संख्या यहाँ पर जारी कर दी है, आप इसको क्लिक करके भी देख सकते हो। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि वेकांट सीट ऑनलाइन सीट BSc पैरामेडिकल और BSc नर्सिंग दोनों के लिए, एक BSc नर्सिंग के लिए भी और BSc पैरामेडिकल के लिए भी, दोनों को हम चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जितनी भी एम्स है इंडिया में, सारी की सारी जहाँ पर खाली सीटें हैं सेकंड राउंड के लिए, ये उन्होंने जारी कर दिए, ठीक है। तो सेकंड राउंड इनका हो जाए, उसके बाद फिर आपका जो 2022 का एडमिशन है वो शुरू होने में है। सो गाइज, जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया बहुत बहुत धन्यवाद हो, ठीक है, और जिनको नहीं मिला आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, सेकंड राउंड में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी भी काफ़ी सारी खाली सीटें है, बठिंडा, भोपाल, काफ़ी सारे न्यू दिल्ली है ना, पटना, रायपुर, अभी 5-6-10 के करीबन यहाँ पर अधिकतम 10 और मिनिमम 5 यहाँ पर देख सकते हो सीटें अवेलेबल है, OBC, SC, ST हर कैटेगरी में, तो आपको अवश्य मिल जाएगा। और जो 2022 में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर 2022 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो एकदम अलर्ट हो जाइए। अब आपके मान सकते हो कम से कम लास्ट फरवरी में आपके फॉर्म आ जाएंगे, जो कि आपको भरना होगा, और आपके काफ़ी सारे कमेंट भी थे, उसको भी चेकआउट हम कर लेंगे। सो गाइज, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, एम्स में सभी को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये टॉप है इंडिया का यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर 100% आपकी जॉब होती है, जॉब आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, आप बोलोगे ना कि एम्स एम ने कर रखा है तो वही आपकी पहचान हो जाएगी, और एम्स में आपको अवश्य अप्लाई करना चाहिए। और भी काफ़ी सारे कमेंट थे, ये देखिए काफ़ी सारे अपडेट है यहाँ पर एम्स को लेकर, और कमेंट आपके चलो देख लेते हैं। सो गाइज, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो उनको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि हम उनके साथ है। यूट्यूब पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जेके लोन जॉब चैनल बना रखा है, जहाँ पर आप जाके निःशुल्क तैयारी कर सकते हो एम्स की, मिलिट्री नर्सिंग की, BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, किसी भी राज्य के हो आप, जेके लोन जॉब चैनल आपके लिए बना है, ये देखिए, इसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो और रोजाना आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। कुछ दिनों बाद हम यहाँ पर लाइव आएंगे और आपको अच्छे से ऑनलाइन टीच करवाएंगे, ताकि आपका BSc नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें सिलेक्शन हो जाए। जेके लोन जॉब चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए कुछ स्टूडेंट के डाउट थे उसको चेकआउट कर लेते हैं। सो गए, चलिए हम आ चुके हैं आपके कमेंट्स के ऊपर। सोनी यादव जी का कमेंट है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रॉक स्मार्ट सर, आपने बताया नहीं कि UP में विदाउट नीट के एडमिशन कौन कौन से कॉलेज में हो रहे। देखो, विदाउट नीट के तो दरअसल अभी तो विदाउट नीट के हो रहे आपके, ठीक है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट होगा आपके स्टेट लेवल पे। तो मैं तो सभी से ये कहूँगा, नीट का फॉर्म तो आप इसलिए ब्रो, क्या पता आपका MBBS में हो जाए। अगर MBBS में नहीं होता है, MBBS में नहीं होता है ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपको BHU में मौका मिलेगा, आपको जिपमर में मौका मिलेगा, आपको इसके अलावा जो काफ़ी LHMC यानी कि इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनमें मौका मिलेगा, ये फ़ायदा है नीट का फॉर्म भरने का। चंदन वर्मा, इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स चंदन वर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सिलेक्शन हो, हमारी तो ये दुआएँ। दीपिका जी का कमेंट है, सर स्टेट में MP में नीट थ्रू BSc नर्सिंग के सेकेंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, प्लीज़ रिप्लाई। देखो, नर्सिंग के लिए तो नहीं हो रहा वहाँ पर, तो MP में तो क्या एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जिनके काउंसलिंग अभी बकाया है, तो PNST की वहाँ पर
अभी काउंसलिंग चल रही है, आप तो करवा सकते हो। एमपी ऑनलाइन जो आपकी वेबसाइट है वहाँ से आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला कमेंट, प्लीज सर टेल मी कितना परसेंट चांस से ओबीसी फीमेल को 55% में गवर्नमेंट, 55% है ना आपके, तो गवर्नमेंट मिलने का चांस आपको 50% है, ठीक है। अगला कमेंट, साइद खान, सर मेरे 67 है, मुझे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा क्या गवर्नमेंट? देखो गवर्नमेंट अगर बीएस नर्सिंग की अगर आप बात करते हो ना, तो डायरेक्ट तो आपको किसी ऑल इंडिया में तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए इंट्रांस एग्जाम आपको देना होता है बीएस नर्सिंग के लिए, तभी जाके आपको इसमें कोर्स में प्रवेश मिल पाता है। हाँ जेएनएम में आपको अभी से मिल जाता है, जेएनएम का जो कोर्स है इसमें डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाता है 12वीं की मेरिट के बेसिस पे, बट वो भी सभी राज्यों में अभी लागू नहीं है, ओनली राजस्थान हो गया है ना ऐसा करके। एमपी में भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जेएनएम एएनएम के लिए, तो डिपेंड करता है आपका राज्य कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग जेएनएम में आपको प्रवेश मिलता है, और वो भी 12वीं के मेरिट के बेसिस पे। बीएससी नर्सिंग के लिए तो आपको एंट्रेंस एग्जाम या फिर नेट का एग्जाम देना होगा। गारजी राजपुर, सर यूपी में नर्सिंग के फॉर्म कब निकलेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के? मैंने बोला ना आने वाले अप्रैल में, बस आपको तैयार रहना है, तैयार और अलर्ट रहना है। अलर्ट मतलब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस, इसका मतलब आप अलर्ट हो। विनोद कुमार, सर एमपी में कब आएंगे पीएनएसटी के फॉरम? सबके लास्ट में आएंगे, क्योंकि अभी आपकी काउंसलिंग चल रही है, अभी उसमें टाइम लगेगा। और आप सभी को पता है जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है मध्य प्रदेश में जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ये काफ़ी डिले होता है, तो सबके पीछे आएंगे मध्य प्रदेश में। अगला अलकेम वर्मा, विदाउट इंट्रांस एग्जाम बीएस नर्सिंग में एडमिशन होगा गवर्नमेंट? जी नहीं, बीएस नर्सिंग में तो नहीं होगा, बीएस नर्सिंग के लिए तो आपको इंट्रांस एग्जाम ही देना होगा, ठीक है ना। हाँ प्राइवेट में जरूर हो जाता है, बट गवर्नमेंट के लिए तो आपको इंट्रांस एग्जाम ही देना होता है। और हाँ कुछ कॉलेज ऐसे जहाँ पर अवश्य होता है 12वीं की मेरिट पे, तो उसकी लिस्ट हम बना देंगे कि यहाँ यहाँ पर 12वीं की मेरिट के बेसिस पे है ना बीएस नर्सिंग कोर्स में प्रवेश मिलता है, तो आप उसको देख लेना, फिर लिस्ट हम बना देंगे आपके लिए। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, तो मिल जाएगा आपको। संदीप, सर जी एम्स नर्सिंग के फॉरम आए तो बता। बिल्कुल बिल्कुल, हम अवश्य बताएंगे, चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, तो आपको जरूर देखो फॉरम की जानकारी तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो हमारा जेके लोन जॉब चैनल है वहाँ से तो तैयारी आपको ही करनी होगी, वहाँ पर रोजाना वीडियो हम अपलोड करते, जो देखता होगा उनको तो सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि क्वेश्चन वही आते हैं और उसका कोई शुल्क भी नहीं है, फ्री में तैयारी कर सकते हो आप जेके लोन जॉब चैनल से। यूट्यूब पर है हमारा वाइंस बार। तो सर पंजाब में फॉरम कब निकलेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, पंजाब में फॉरम आने वो लास्ट अप्रैल में, उससे पहले भी आ सकते हैं, क्योंकि पिछले साल तो कोरोना का डर था, बट अब क्या है वैक्सीनेशन हो चुका है, इतना डर नहीं है, तो गवर्नमेंट जल्दी जारी कर सकती है इसको। यूनिक फैक्ट, सर मैं जनरल में हूँ और 89 है, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा, बट आपने बताया नहीं कि कौन से कॉलेज की आप बात कर रहे हो, है ना, बीएस नर्सिंग के लिए कर रहे हो या फिर जेएनएम के लिए, तो यूनिक फैक्ट वाले से ही कहना है कि पूरा कमेंट कीजिए। साइद खान, सर एमपी में कब निकलेंगे? एमपी में सबके लास्ट में निकलेंगे, वेट करना होगा एमपी वालों को भी 1-2 महीने। अंजलि, सर एम्स नर्सिंग ऋषिकेश के कब तक आएंगे? एम्स के देखो ये एम्स के जो फॉरम निकलते हैं ना एक साथ निकलते हैं, तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक तो आपको वेट करना ही होगा, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। अगला कमेंट, सर 60% वाले जेएनएम का कोर्स कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में? कर तो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट आपने स्टेट कमेंट नहीं किया। एमपी में तो क्या है इंट्रांस एग्जाम होता है, तो उसमें 12वीं के परसेंटेज का महत्व नहीं होता, ओनली इंट्रांस एग्जाम में जो नंबर है उसका महत्व होता है। और मैं आप सभी से कहूँगा कि कमेंट तो आपको वीडियो के माध्यम से ही रिप्लाई मिलेगा, तो वीडियो जो पूरा देख रहा होगा तो उसको अपना कमेंट का रिप्लाई भी मिल गया होगा। सर आसाम में बी एस नर्सिंग फॉरम, ओ माई गॉड, आसाम में, बहुत अच्छी बात कही आपने, आसाम में बस आने वाले, बहुत ही जल्द आने वाले, आसाम वाले से यही कहना अलर्ट हो जाओ आप एक प्रकार से, आसाम में सबसे पहले आते हैं फॉरम, तो आने वाले आसाम में 5-10 दिन आप खींच के 2 सप्ताह मान लो इसके अंडर में आ जाएंगे। अविनाश गौतम, सर नीट में बॉय को बी एस नर्सिंग में कितना मार्क चाहिए? देखो कितना मार्क चाहिए एस सी वालों का, प्लीज
नेट में कम से कम आपको 300+ तो चाहिए चाहिए, अच्छे से अच्छा कॉलेज और अच्छी रैंक चाहिए, तो 300+ चाहिए। रंजीत मीणा सर, ये JNM का है या BS नर्सिंग का? JNM का। सुमन सादिल सर, हार्ड सब्जेक्ट है मेरा, 12वीं में 67 है, जनरल में आती हूँ, तो सिलेक्शन होगा क्या मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में? तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज में तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है BS नर्सिंग के लिए, तो 12वीं की परसेंटेज मायने नहीं रखती वहाँ पे, 12वीं की परसेंटेज वहाँ पर मायने रखती है जहाँ पर विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका सिलेक्शन हो रहा हो ना तब। अगला शाहबाजी का कमेंट है सर, इंडियन आर्मी वाले फॉर्म अप्लाई वाला ऑप्शन नहीं हो, इंडियन आर्मी वाला फॉर्म अप्लाई, इंडियन आर्मी के जब फॉर्म आएंगे हम आपको अवश्य बताएंगे, आने वाले इंडियन आर्मी के तो 1 सप्ताह से भी 2 सप्ताह से कम टाइम में आ जाएंगे। अंशु यादव सर, यूपी में कब आएंगे JNM के फॉर्म? देखो राजस्थान में आ गए तो बस अब यूपी का ही नंबर है, थोड़ा वेट करना होगा, आपके फॉर्म आ जाएंगे। अगला कमेंट है सर, आप MCQs प्रैक्टिस करवाइए टॉपिक वाइज, तो हम तो करवा रहे हैं ना, जैकलोन जॉब चैनल पे जाके देख लो, यहाँ पर देख लो आप यूट्यूब पर जैकलोन जॉब चैनल सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको, 53K सब्सक्राइबर होने में, और तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम को फॉलो करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।